आप देख रहे हैं एशिया नेट न्यूज पर वायरल खबरें। पाकिस्तान के बालाकोट में कैसे बरसाए बम, वायुसेना ने जारी किया एयर स्ट्राइक पर वीडियो। शुक्रवार को वायुसेना की तरफ से इस एयर स्ट्राइक पर एक वीडियो जारी किया गया है। वायुसेना के द्वारा इस वीडियो में दिखाया गया है कि किस तरह पुलवामा आतंकी हमले के बाद देश में पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ गुस्सा था, जिसके बाद वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने की योजना बनाई। वीडियो के मुताबिक वायुसेना के विमानों में पाकिस्तान के बालाकोट में चल रहे आतंकी अड्डों पर निशाना बनाया और उन्हें तबाह कर दिया। MP में कांग्रेस पार्षद की चप्पल से हुई पिटाई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का आवंटन किया जा रहा था। एक महिला का आरोप है कि घरों को गलत तरीके से आवंटित किया गया है। तभी अचानक एक महिला ने चप्पल को हथियार बनाकर कांग्रेस पार्षद की जमकर धुनाई कर दी। निगम में नेता प्रतिपक्ष पर चप्पल से हुए हमले के बाद कांग्रेस नेता कल्लू दीक्षित हक्के बक्के रह गए। इस दौरान निगम के कर्मचारी ने किसी तरह महिला को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। उफनते पानी में निकली महिला की शव यात्रा, लोगों ने डरते हुए किया नाला पार। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर अभी भी जारी है। मंदसौर जिले से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर हालात को आसानी से समझा जा सकता है। नौगांव में एक महिला के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। रास्ते में उफनते नाले पर पुलिया ना होने के चलते लोगों को खतरा उठाकर पानी में उतरना पड़ा। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह शव यात्रा में शामिल लोग घुटने से ऊपर तक पानी में उतरकर जा रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि प्रशासन से कई बार पुल बनवाने की मांग की जा चुकी है, लेकिन उनकी मांग पर कोई सुनवाई नहीं होती। CRPF कांस्टेबल खुशबू चौहान ने दिया जोशीला भाषण। सोशल मीडिया पर इन दिनों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की लेडी कांस्टेबल का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। महिला कांस्टेबल खुशबू चौहान भारत के टुकड़े टुकड़े जैसे नारे लगाने वालों और आतंकियों के खिलाफ अपनी भावनाएं बेहद जोशीले अंदाज में व्यक्त कर रही हैं। खुशबू CRPF की 233वीं बटालियन में कार्यरत है। वीडियो 27 सितंबर का है। बांग्लादेश की PM शेख हसीना ने भारत से कहा, हमारे लिए प्यास से दिक्कत हो गया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इन दिनों भारत दौरे पर हैं। उन्होंने कहा, भारत द्वारा प्याज के निर्यात पर रोक लगाए जाने के बाद बांग्लादेश में कुछ दिक्कतें बढ़ गई हैं। मैंने खुद अपने खाना सामा को खाने में प्याज का इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा है। वायरल खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।